हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने बिहार करेंट अफेयर योजना परियोजना की ये तीसरी सीरीज का तीसरी वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे काफ़ी विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से मेरी वीडियो को देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा लाभान्वित हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं तीसरा वीडियो बनाने की कोशिश किया हूँ। इसमें भी बहुत सारी योजनाएँ हैं, बहुत सारे परियोजनाएँ हैं, बहुत सारे नया नियुक्तियां हैं। सारे को इसमें एक साथ एक बोर्ड पे एकत्रित करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, ये मेरा जो वीडियो सीरीज वाइज सीरीज आते आ रहे हैं, तो इसको आप कभी मिस नहीं करें, कभी मिस नहीं करें, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए वरदान साबित होने वाली है। और बिहार के जितना भी एग्जाम है, खास करके जीविका और बिहार SSC और BPSC, खास करके जितना भी एग्जाम है, सारे एग्जाम में ये बहुत ही अच्छे कारगर साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि पूरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, और जहाँ भी इसमें दिक्कत आए, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो मैंने उस चीज़ को, उस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मेरा आग्रह है कि आपने वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि इससे आपको ये होगा कि आपने जितना भी देखें, सब लोग आप देखें और सारे लोग देखेंगे, सारे लोग का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और ये क्या बोलते हैं कि जितना भी हमारा वीडियो का नया आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, सारा उपलब्ध हो जाएगा, और उपलब्ध होने के बाद में आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा सहूलियत होगा। इसलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो का स्टार्ट करने वाला हूँ। तीसरा वीडियो मेरा देखिए। तो दोस्तों, इसमें है पहला क्वेश्चन हमारा है शौचालय निर्माण घर का सम्मान। ये एक योजना है, बिहार सरकार की योजना है, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। इसके तहत 1.72 लाख शौचालय के निर्माण दो योजनाओं के माध्यम से होगा। ये जो आपका योजना है, इसमें लगभग पौने दो लाख शौचालय के निर्माण होना है, लेकिन दो योजनाओं को मिल करके होना है। वो दो योजनाएं कौन कौन सी है आपको हम बता दें, जिससे आप वाकिफ भी है। पहला है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, यानी LSBA जिसको हम बोलते हैं। जीविका के लोग को बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि वो लोग पिछले साल भर से यही काम करते आ रहे हैं, LSBA काम करते आ रहे हैं, और बहुत सारे शौचालय भी बनवाए हैं। और दूसरा है शहरी क्षेत्र शौचालय निर्माण। ये दो योजना को मिल करके इसका नाम दिया गया शौचालय निर्माण घर का सम्मान। इसी योजना के तहत बिहार में बहुत सारे जिलों में नए शौचालय का निर्माण हुआ है, और इसके निर्माण के द्वारा बहुत सारे जिले ODF हो गए हैं, तथा कुछ जिले ऐसे हैं कि जो ODF होने के कगार पर हैं, वो जल्द ही ODF हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आने की बहुत संभावना है, क्योंकि ये बहुत करेंट की चीज़ है, इसको हमेशा पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, दूसरा है अवसर बढ़े आगे पढ़े। दोस्तों, इसको रट ले, अवसर बढ़े आगे पढ़े, इससे क्या स्पष्ट होता है? अवसर बढ़े यानी हमारा क्या बढ़े? अवसर, रोजगार बढ़े, हम पढ़े, यानी हम जब तक अशिक्षित हैं तब तक हमें कुछ नहीं होने वाला है, हम पढ़ेंगे, हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं, और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक अवसर मिलेगा नहीं, यानी नौकरी लगेगी नहीं। इसलिए इस योजना का मकसद है, इसके तहत उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की योजना है। यह योजना है उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खास करके है, और इसमें प्रत्येक जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज, एक पैरामेडिकल कॉलेज, एक महिला ITI, एक नर्सिंग स्कूल, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की योजना बनाई जा रही है, और बहुत जिलों में कार्य शुरू भी हो गए हैं। इसलिए इस योजना का नाम लिख दिया गया है अवसर बढ़े आगे पढ़े, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक अच्छी अच्छी स्कूल, अच्छी अच्छी कॉलेज, अच्छे टीचर नहीं मिल पाएंगे, तब तक हमें कोई अवसर मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, मैं ध्यानपूर्वक कहता हूँ कि इस वीडियो को देखें और पूरा समझें, क्लियर है, गारंटी के साथ कहता हूँ, 110% कहता हूँ कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन हमारा, आर्थिक समीक्षा पेश करने वाला बिहार भारत का अकेला राज्य है।
दोस्तों आर्थिक समीक्षा होता क्या है? दोस्तों जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में बजट पास हो रहे हैं, बजट पास होते हैं, उसी तरह से आर्थिक समीक्षा बजट से पहले की सत्र होती है। बजट से पहले की सत्र को हम आर्थिक समीक्षा कहते हैं। आर्थिक समीक्षा कहते हैं, इसलिए आर्थिक समीक्षा के आधार पर ही हम बजट पास करते हैं। और यह बिहार जो है आर्थिक समीक्षा पास करने वाला एकलौता अकेला राज्य है, इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी और इसकी शुरुआत माननीय श्री सुशील मोदी जी ने की के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, बिहार में कौन से स्मार्ट सिटी प्रस्तावित है, बिहार में कौन कौन से स्मार्ट सिटी प्रस्तावित है? आप पिछले वीडियो में पढ़े हुईगा जिसमें पटना को बताए थे, पटना को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया, जिसमें 100 करोड़ की राशि मिल भी गई, मंजूरी भी मिल गई है और इस तरह से प्रस्तावित है, इस पर मोहर भी लग गई है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ, ये चार स्मार्ट सिटी की घोषणा मिल गई है इसको। उसके बाद मानव विकास सूचकांक में बिहार का कौवा स्थान है, कितना स्थान है? तो दोस्तों मानव विकास यानी मानव का विकास कितना स्तर पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, तेज हो रहा है कि स्लो हो रहा है, उसका विकास कैसे हो रहा है, उसका सूचकांक, उसका सूचना, उसका स्थान कितना है, उसका स्थान बिहार में 21वां है और ये कितना राज्यों में है, 23 राज्यों में 21वां है। अंकों में इसको कहेंगे तो 0.536 है, अंकों में 0.536 है, 0.536 है और अंक है 23 राज्यों में 21 है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं मनरेगा की शिकायत निवारण के लिए बिहार के कितने जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की गई है। दोस्तों मनरेगा जो कार्यक्रम है वो बहुत अच्छी कार्यक्रम है, लेकिन कहीं कहीं मतलब सरकारी गड़बड़ी के चलते, चाहे लोगों की लूट कांड या बहुत भ्रष्टाचार के चलते, कहीं कहीं बहुत इसका काम स्लो है। इसके लिए लोकपाल की नियुक्तियाँ की गई है और वो बिहार के 22 जिलों में लोकपाल की नियुक्तियाँ की गई है कि इसका प्रगति हो, इसका मतलब प्रकोप हो और बढ़े, इससे काफ़ी लोग लाभान्वित हो। तो दोस्तों उसके बाद उद्योग निजी उसके बाद दूसरा आगे क्वेश्चन में आते हैं उद्योग में निजी सहभागिता बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? वो है हमारा योजना है आओ बिहार योजना, यानी इस कहने का मतलब है उद्योग में सहभागिता, यानी बिहार में जो जो उद्योग धंधे हैं वो बिहार अकेला राज्य है और जहाँ पे उद्योग धंधे बहुत कम हैं और इस उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए जब तक हमारे दूसरे स्टेट से या दूसरे जब तक विदेश से हमको सहायता नहीं मिल पाएगा, दूसरा कोई उद्योग सहायता नहीं करेगा, तब तक बिहार का उद्योगों का मतलब बढ़ने वाला नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आओ बिहार करके योजना आया है, इसमें दूसरा कोई भी प्रोजेक्ट है या उद्योग है या कोई देश है बिहार के साथ उद्योग के साथ मिलकर आगे प्रक्रिया को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों आगे है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इससे आप लोग काफ़ी वाकिफ हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना स्टूडेंट के क्षेत्र में यानी पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति है, पढ़ने वाले युवाओं के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। ये क्या है, इसे 2 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया। इसमें 12वीं पास स्टूडेंट को ब्याज मुक्त 4 लाख का लोन 15 दिन में दिया जाएगा, ब्याज मुक्त 4 लाख रुपए का लोन 15 दिन के अंदर में दिया जाएगा। वो कहीं भी जाके स्टूडेंट मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कोई भी जाके अध्ययन कर सकता है और वो अपने कैरियर को संवार सकता है। इसलिए इसको देखते हुए सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया और इस योजना से काफ़ी स्टूडेंटों ने लाभान्वित हो गए हैं और कुछ लोगों ने इसमें इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जीविका में भी इस योजना को काफ़ी मतलब आगे बढ़ाने के लिए बीच में काम किया गया था। उसके बाद है बिहार सुरक्षित सिटी निगरानी योजना। दोस्तों यही ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रगति की योजना है, बहुत अच्छी योजना है, बिहार सुरक्षित सिटी निगरानी योजना। इस योजना के तहत
राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित की गई है। क्यों सीसीटीवी कैमरे स्थापित की गई है? सीसीटीवी कैमरा क्या काम होता है? उसका काम होता है कि जो भी प्रत्यक्ष रूप में जो होता है उसको अपने अंदर कैच कर लेता है, और इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। सबसे पहले पटना को इसे कवर में लाया गया, पटना में यह लॉन्च किया गया और पटना को इसका पहले कवर किया गया। इस योजना में, इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार पूरे राज्यों में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा तथा अन्य अपराधों पर नियमित जांच करेगी। इसका मकसद महिलाओं की सुरक्षा तथा महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को रोका जाना है। महिलाएं आजकल सुरक्षित नहीं है, महिला के साथ हर चौक पे चौराहा पे कुछ न कुछ तरह तरह के घटनाएं सामने आ रही है। इस घटना को देखते हुए निगरानी विभाग पुलिस विभाग की तरफ से ये योजना का शुभारंभ किया गया। अभी भी देखिएगा आप हर सिटी हर जिला में देखिएगा, जहाँ जहाँ ओवर ब्रिज है, रेलवे स्टेशन है, बाजार है, बहुत बड़े बड़े चौक है, वहाँ पे देखिएगा बहुत बड़े फ्लैट लाइट की तरह है, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, इसमें उसी चीज़ की निगरानी की जा रही है कि महिलाएं सुरक्षित रहे। उसके बाद दोस्तों, ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला बिहार देश का 8वां राज्य बन गया है। तो दोस्तों, ई सिगरेट होता क्या है? ई सिगरेट स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खराब चीज़ होती है। ई सिगरेट हम बता दें उसके बारे में, बिहार सरकार ने निकोटीन के गलत इस्तेमाल को रोकने के उद्देश्य से ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया। निकोटीन एक बहुत बड़ा नशा वाली चीज़ होती है, जिसको खाने से आदमी का संतुलन खो देता है, नशा में हो जाता है। ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला बिहार देश का 8वां राज्य बना है। इससे पहले पंजाब, इससे पहले कौन कौन से राज्य में यह लागू हो चुका है? पंजाब में हो चुका है, महाराष्ट्र में, केरल में, मिजोरम में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में पाबंदी ऑलरेडी लग चुकी है। उसके बाद में 3 साल इसके इसमें क्या क्या, इसको मान लीजिए ऐसा करते हुए जो पकड़े जा रहे हैं उसको क्या क्या सजा हो सकती है? उसको 3 साल की सजा के साथ साथ 5,000 रुपये का जुर्माना, ई सिगरेट के ऑनलाइन जितने विज्ञापन आते हैं, प्रचार आते हैं, उस पर सारे पर रोक लगा दे। ई सिगरेट के विज्ञापन पर रोक लगा दिया। अब बात आती है ई सिगरेट होता क्या है? तो ई सिगरेट बहुत ही खतरनाक युक्ति है। ई सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ऐसा यंत्र है जो देखने में साधारण सिगरेट जैसा लगता है। इसमें बैटरी और एक कार्टेज होती है। कार्टेज में निकोटीन युक्त तरल पदार्थ होता है, जो बैटरी की सहायता से गर्म होकर निकोटीन युक्त भाप देता है। उसे सिगरेट के धुएं की तरह लोग पीते हैं। देखिए कितना टेक्नोलॉजी विकसित हो गई। ई सिगरेट भी आ गया है, इसमें बैटरी का भी उपयोग हो रहा है। इससे गर्म होता है वो लिक्विड, तो भाप के रूप में परिवर्तित होता है और वो हमारे शरीर में जाती है, तो शरीर की प्रतिरक्षा कवच को खराब कर देती है। देखिए कहाँ से कहाँ दुनिया चल गई। इसे हमें अवश्य इस पर रोक लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये बिहार 8वां राज्य बन गया है जो ई सिगरेट को प्रोहिबिट किया है। बिहार में खुला सिगरेट की बिक्री पर रोक लग गई है। दोस्तों, अब बिहार में एगो दूगो चौक चौराहे पे सिगरेट नहीं मिलेगा। अगर आपको सिगरेट पीने का मन है तो आपको डिब्बा खरीद कर पीना पड़ेगा, सिगरेट खुला नहीं मिलेगा। उससे घाटा क्या होता है? सिगरेट खुला मिलता है तो कोई भी गरीब, कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी एक दो खुला खरीद के पी लेता है। इससे उसको स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान होता है, और ये प्रक्रिया होने से जब तक हमें काफ़ी मोटी पैसा नहीं होगी तब तक हम डिब्बा खरीद नहीं सकते, जिससे बहुत लोगों ने वंचित रह जाएगा। इसलिए खुली सिगरेट पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, बिहार में खुली सिगरेट नहीं बिकेगी, ये कानून पास हो गया है। जिनको सिगरेट पीना है उनको पूरा पैकेट लेना होगा। इससे क्या मतलब, किसको कम उम्र के बच्चों को धूम्रपान करने से दूर रखा जाए, इसलिए पहल किया गया है। ऐसा करने वाला बिहार 12वां राज्य बन गया है, और इसके पहले झारखंड हो गया, आपको उत्तराखंड, झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, चंडीगढ़, मिजोरम और पंजाब में खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा पहल है बिहार सरकार की। उसके बाद में मधुबनी रेलवे स्टेशन को दूसरा सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला है। दोस्तों, मधुबनी जो बिहार में है, जो मधुबनी पेंटिंग के लिए पूरा विश्व में प्रसिद्ध है,
इसको मिथिला पेंटिंग के भी नाम से जानते हैं। इसे यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है और इसको पूरे भारत में दूसरा स्थान मिला है खूबसूरती के मामला में, और पहले स्थान पर है बलहारसा महाराष्ट्र, बलहारसा महाराष्ट्र में है ये पहला है, और दूसरा में बिहार में है। इसलिए गौरव की बात है कि बिहार ऐसा जगह पे भारत का सबसे खूबसूरत दूसरा रेलवे स्टेशन है। और इस स्टेशन पर विश्व की एक और खास बात है कि ये इस स्टेशन पर विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई गई है, सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई गई है दोस्तों। उसके बाद आते हैं अगला सवाल पर, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है ये, अभी अभी फिलहाल चल रही है योजना, इससे बहुत ही लोगों ने बहुत ही छात्राओं ने लाभान्वित है। यह योजना मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 2018 में लॉन्च की थी। इसमें बीएसईबी यानी बिहार बोर्ड से 12वीं की परीक्षा जिन लड़कियों ने अच्छे ढंग से पास की है यानी फर्स्ट डिवीजन से पास की है, उन्हें बिहार सरकार ने 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप देने की घोषणा किया है। और इसमें एक कंडीशन है कि लड़कियां अविवाहित हो, विवाहित नहीं, विवाहित होने पर तो उसको खुद उसको क्या बोलते हैं कि उसको सहायता मिल जाती है इधर उधर से, इसलिए अविवाहितों को ही सुविधा दी गई है कि 10,000 रुपया दिया जाएगा। और वो लोग काफ़ी अपने पढ़ाई में मन लगाए, और इससे लड़कियां में भी देखा जा रहा है कि लड़कियों का परसेंटेज एग्जामिनेशन का परसेंटेज और क्या बोलते हैं कि और मार्क्स लाने के परसेंटेज इससे बहुत हाई होते जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन का माहौल हो गया है, उनको एक प्रकार से प्रोत्साहन राशि मिल रही है आगे पढ़ने के लिए। इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा वीडियो निरंतर देखें, आपको बहुत ही अच्छे नॉलेज होगा। फिर इसके बाद अगला सीरीज में लाऊंगा बिहार में जितने भी योजना परियोजना चल रहे हैं सारा, जो हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद मैं भारत सरकार की जितना योजना है परियोजना है उस पर डिफाइन करूंगा। उसके बाद मैं तरह तरह के मैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे आप लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे विश्वास है कि आप लोग काफ़ी खुश हैं वीडियो को देख कर और काफ़ी लाभान्वित है और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।